गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण यादव, आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास फोर्थ। सो चिल्ड्रन, वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस स्टोरी द गिविंग ट्री। ओके, सो वी हैव डन टू पेजेस, नाउ कम टू पेज नंबर 123। ओके, सो वॉट वी हैव रीड in this story, there was a tree and a boy. So tree always gives something to children, the boy. So पहले वो उसको बोलता है कि मेरे पेड़ पे चढ़ो, वो swing करता है, वो apples eat करता है. After that, when he grow up and he came, so he asks some money from the tree. वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? So tree said that I have apples, so you can pluck them and you can sell to the market and then you will get money. So he plucked the apples and he went away and he never come back. Then one day he came, so jo tree tha wo usko dekh ke khush hua ki wo bachcha wapas aa gaya hai. Then what he said, tree, come boy, come and climb up my trunk. आओ और मेरे ट्रंक पे चढ़ के, पेड़ पे, मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ. Swing from my branches, और मेरी ब्रांचेस से स्विंग करो. Eat my apples, play in my shade and be happy. तुम खाओ पियो, शेड जो मेरी छाया है उसके नीचे रेस्ट करो और खुश रहो. Then boy said, I'm too busy to climb trees. I'm getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? So children, now the boy is not a boy, now he's a young. Okay, and he said that I'm too busy. I don't want to play and swing because now he grown up and he getting married and he need a house for his children, for his wife. So he said that, can you give me a house? Tree said, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. Tree कहता है कि मेरे पास house तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी जो branches हैं उनको cut करके अपना house build कर सकते हो. He said, I have no house, but you can cut my branches and you can make a house. You can made a house. Narrator. So the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. Narrator कहता है कि जो बच्चा है वो branches को cut करके ले जाता है किसके लिए? अपने house को build करने के लिए. The tree was very happy. The tree feels happy that it gives something to the boy. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. Then again क्या होता है? जब वो बच्चा वो branches लेके जाता है तो फिर वो वापस कभी नहीं आता है. So वो जो वो पेड़ है वो वापस sad हो जाता है. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. So again वही होता है, वो बहुत दिनों के बाद में आता है, ठीक है. सो वापस ट्री उसको देख के फिर खुश होने लग जाती है क्योंकि उसको अटैचमेंट थी उस बच्चे से. सो नाउ इट कुड हार्डली स्पीक. वाई? बिकॉज द बॉय वॉज नाउ अ यंग मैन. बिकॉज जो वो बच्चा था अब वो जवान हो गया था, वो यंग मैन हो गया था. ट्री, कम बॉय. बट देखो ट्री तब भी उसको क्या बोलता है? बॉय. कम बॉय, कम. वॉट कैन आई डू फॉर यू? बताओ मैं आप तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे. कैन यू गिव मी अ बोट? सो यंग मैन सर, मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और मुझे एक बोट की ज़रूरत है. सो क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ बोट? ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक. Cut down my trunk and make a boat. Then you can sell away. So tree said that
I don't have anything now. All I have left is a trunk. अब मेरे पास सिर्फ ट्रंक है. So you can cut down my trunk and take me away. And sorry, जो वो ट्री था वो बोलता है कि तुम मेरे ट्रंक को काट सकते हो. एंड यू कैन मेक अ बोट, और अब तुम बोट बना सकते हो. देन यू कैन सेल अवे. सेल मीन्स जो पानी में चलना, पानी में तैरना. ओके, वाटर के थ्रू तैरना, दैट्स कॉल्ड सेल. नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टेम. यंग मैन है वो जो पेड़ का ट्रंक है उसको काट के ले जाता है एंड सेल्ड अवे इन अ बोट. देन द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प. स्टम्प क्या होता है, जो कि जो नीचे का जो पार्ट बचता है, दैट्स कॉल्ड, दैट्स इज स्टम्प. ओके, सो अब उस पेड़ के पास कुछ भी नहीं था सिवा स्टम्प के. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकग्नाइज हिम. अब क्या होता है कि बहुत समय बाद में, बहुत सालों के गुजरने के बाद वो यंग मैन वापस आता है. बट नाउ ही इज नॉट अ यंग मैन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन. बट द ट्री रिकग्नाइज हिम, लेकिन जो पेड़ है उसको पहचान लेता है. ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू. माई एप्पल्स आर गोन. ट्री जब उसको देखता है तो उसको फिर वापस ये लगता है कि इसको कुछ चाहिए होगा. सो वो अगेन कहता है कि सॉरी. वो उसके कुछ मांगने से पहले वो बोलता है कि आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई डोंट हैव नथिंग टू गिव यू. क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है. मेरे पास एप्पल्स थे वो भी चले गए हैं. ओल्ड मैन सेड माई टी था टू वीक फॉर एप्पल्स. और जो वो बॉय था जो अब ओल्ड मैन बन चुका था वो कहते हैं कि नाउ आई एम वीक एंड माई टीथ आर गॉन सो आई कांट ईट एप्पल्स. माई टीथ आर टू वीक, दे कांट हैंडल ऑफ हार्डनेस ऑफ एप्पल्स. ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम. मेरी जो ब्रांचेज हैं वो भी नहीं है, अब तुम स्विंग भी नहीं कर सकते हो. सो ओल्ड मैन सेड आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज. अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और ना ही अब मैं ब्रांचेज में स्विंग कर सकता हूँ. ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब. अब जो मेरी ट्रंक है वो भी चली गई है, सो यू कांट क्लाइंब. ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब. मैं अब मेरे में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं ट्री पर क्लाइंब कर सकूँ. सो आई एम टू टायर्ड. ट्री sighing, sighing means ऐसे थके हुए हाफना या थकी हुई आवाज़ में बोलना. ठीक है, I'm sorry, I wish that I could give you something but I have nothing left, I'm just an old stump. I'm sorry, ट्री कहता है, दुखी होके बोलता है, I'm sorry, I wish that I could give you. मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दूँ बट मेरे पास कुछ भी नहीं. आई डोंट हैव नथिंग, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प. अब मेरे पास सिर्फ ये स्टम्प है, जो ये पार्ट है ये क्या है, स्टम्प है. ओके, आई एम सॉरी, ही फील्स सॉरी. ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. डियर ट्री, प्यारे ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, यू ऑलवेज गिव समथिंग टू मी, तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया है. ओके, बट नाउ, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट नीड एनी थिंग, जस्ट आई वॉन्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. मुझे सिर्फ एक शांति से एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ. ट्री हैप्पीली, खुशी से, वेल एंड ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन. सो नाउ द ट्री हैड ओनली स्टम्प, सो ही फील्स हैप्पी दैट ही इट हैड समथिंग टू गिव हिम. सो ही सेड आई हैव एन ओल्ड स्टम्प एंड इट इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्ट. कम फ्रेंड्स, शट डाउन एंड रेस्ट. आओ और तुम बैठो और आराम करो. नरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी. सो जो
ओल्ड मैन था वो उस पर रेस्ट करता है और ये सब देख के ट्री फील्स वेरी हैप्पी. ओके सो चिल्ड्रन इन द होल स्टोरी द स्टोरी यू नो इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्ले एंड वेयर द मैन कैरेक्टर्स आर अ स्मॉल बॉय एंड अ ट्री. सो द ट्री ऑलवेज हैज समथिंग टू ऑफर व्हाइल द बॉय ऑलवेज हैज समथिंग टू डिमांड. सो चिल्ड्रन ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है जहाँ पे पेड़ है वो अब हमसे कुछ भी नहीं मांगता कि मुझे ये दे दो मुझे ये दे दो मुझे ये दे दो, लेकिन जो ह्यूमन नेचर है वो ऑलवेज सेल्फलेसली डिमांड, वो हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है. वो कभी बोलते हैं एप्पल्स चाहिए, कभी बोले मुझे ब्रांचेस चाहिए, कभी बोले ट्रंक चाहिए, मतलब उसको शुरू से लेके एंड तक उसको फिनिश ही कर देता है. ओके बट फिर भी वो ट्री है जो जब भी उसको कुछ देता तो उसको हैप्पी फील करता ना. ओके सो द ऑथर शोज हाउ सेल्फलेसली द ट्री कीप्स ऑन गिविंग टिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ. Now come to the new words. Swing, SWING. Swing. Swing means झूला. To move back and forth. Delicious, DELICIOUS. Delicious means tasty. Pluck, PLUCK. Pluck. Pluck means तोड़ना. And to remove something. Okay. Trip. TRIP means journey. Shell, SAIL. Shell. Shell means तैरना. Stump, STUMP. Stump. Stump is the bottom most part of a tree. Recognize, RECOGNISE. The recognize means पहचानना. To identify. So children. You can read this story. You can create an app at your home. Okay, so it is very interesting play. You can try at your home, children. So that's all for today. In our next video, we will discuss exercise. Okay, thank you. Have a good day.